हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम यूपीएससी सीएपीएफ पेपर 2 का ऑनलाइन टेस्ट पेपर 20AC03 के ग्रामर का क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। और इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विदाउट मेकिंग अननेसेसरी चेंजेस। एक अनाउंसमेंट करना है, वो ये है कि फिलहाल मैंने अभी तक 20AC01 से लेकर 20AC05 तक के सारे क्वेश्चंस रिलीज कर दिए हैं, और इसके आंसर्स विद क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मतलब आपको लिंक मिलेगा और लिंक में क्लिक करके आप क्वेश्चंस विद आंसर्स आप बाय कर सकते हो। अब मैं कुछ ही दिनों में मैं 20AC06 से लेकर 20AC08, इसका मतलब सिक्स्थ टेस्ट पेपर से लेकर एट्थ टेस्ट पेपर, 6, 7, 8, ये तीन टेस्ट पेपर्स के क्वेश्चंस रिलीज करूंगी और विद आंसर्स। तो जो क्वेश्चंस हैं उसका तो मैं पीडीएफ बनाकर मैं टेलीग्राम ग्रुप में मैं पोस्ट कर दूंगी, मगर जिसको इसके आंसर्स चाहिए उसको लिंक में जाके क्वेश्चन विद आंसर्स बाय करने होंगे। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विदाउट मेकिंग अननेसेसरी चेंजेस, ये 6th A का क्वेश्चन है। शी गेव डोनेशन टू द हॉस्पिटल वेयर शी एडमिटेड, तो यहाँ पे एरर इधर है, इधर होगा शी वॉज एडमिटेड। अब इसका रीजन ये है कि ये है एक्टिव वॉइस में, ओके? तो एक्टिव वॉइस में हमेशा सब्जेक्ट डूअर होता है, तो यहाँ पर शी डूअर है, तो डूअर का मतलब करता, इसका मतलब है कि वर्ब का काम शी कर रहा है, ओके? यानी एडमिट करने का काम शी कर रहा है, तो ये गलत है ना, इसको एडमिट किया गया है, फाइन, उस हॉस्पिटल में जिसमें उसने डोनेशन दिया है, गॉट इट? तो इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल आपको बता देती हूँ। अब देखिए, ये है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस हमेशा टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो करता है, और टेंस के रूल्स, टेंस के स्ट्रक्चर्स अगर आपको नहीं पता है तो एक्टिव वॉइस, स्पीच, इनफैक्ट सारे ग्रामर के टॉपिक्स से आपको नहीं समझ में आएंगे अगर टेंस के स्ट्रक्चर नहीं पता है आपको। तो टेंस के स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़रूरी है। एक्टिव वॉइस टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो करता है, स्ट्रिक्टली टेंस का स्ट्रक्चर। जैसे शी एडमिटेड, ये सिंपल पास्ट है, नजर आ रहा है, वर्ब प्लस V2, ओके? जैसे ही टीचेस, ये सिंपल प्रेजेंट है, वर्ब प्लस V5। इसमें एक्टिव वॉइस हमेशा टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो करता है और उसमें सब्जेक्ट डूबर होता है, यानी टीच करने का काम कौन कर रहा है, ही। पैसिव वॉइस कभी भी टेंस का स्ट्रक्चर नहीं फॉलो करता है, कभी भी नहीं, ओके? जैसे शी वॉज एडमिटेड, ये टेंस का स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि किसी भी टेंस के स्ट्रक्चर में एम इज वॉज वर के बाद, या आर भी लिख दो, इसके बाद हमेशा V4 आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या पास्ट कॉन्टिन्यूस, ही इज प्लेइंग, ही वॉज प्लेइंग। कभी भी एम इज आर वॉज वर के बाद V3 नहीं आता टेंस के स्ट्रक्चर में। तो अगर मैं यहाँ पर शी वॉज एडमिटेड लिख रही हूँ तो इसका मतलब है कि टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर रहा है। तो जो टेंस का स्ट्रक्चर नहीं फॉलो करता है वो पैसिव वॉइस है। सेम यहाँ पर देखो, ही इज टॉट, ये टेंस का स्ट्रक्चर नहीं फॉलो कर रहा है, ये पैसिव वॉइस है। और ऐसे केस में जो सेंटेंस टेंस का स्ट्रक्चर नहीं फॉलो करता है तो उसमें सब्जेक्ट नॉन डूअर होता है, कहने का मतलब टॉट यानी टीच करने का काम ही नहीं कर रहा है, इसको पढ़ाया जा रहा है, वो खुद नहीं पढ़ रहा है। तो ही इज टॉट की हिंदी है, उसको पढ़ाया जाता है, और ही टीचेस का मतलब इसकी हिंदी है, वो पढ़ाता है, और यहाँ पर उसको पढ़ाया जाता है, गॉट इट? तो शी एडमिटेड, उसने एडमिट किया है किसी को हॉस्पिटल में, शी वॉज एडमिटेड, उसको एडमिट किया गया है, गॉट इट? तो एक्टिव वॉइस टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करता है और इसमें सब्जेक्ट डूअर होता है, और पैसिव वॉइस टेंस का स्ट्रक्चर नहीं फॉलो करता है, मतलब एक्टिव वॉइस करता है टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो, पैसिव वॉइस नहीं करता और इसमें सब्जेक्ट नॉन डूअर होता है। क्लियर? वी मस्ट ऑल कंग्रेचुलेट सिंधु फॉर विनिंग अ मेडल इन ओलंपिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है प्रेपोजिशन का, वो ये है कि अगर आपके वर्ड ये आ जाए कंग्रेचुलेट या कॉम्प्लीमेंट, तो कभी भी ये अपने साथ प्रेपोजिशन फॉर नहीं लेता है, हमेशा प्रेपोजिशन ऑन लेता है। और ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चंस।
कॉन्ग्रेचुलेट दे देंगे, कॉम्प्लीमेंट दे देंगे, उसके साथ फॉर लिख देंगे, मगर वो गलत है. क्या होगा? ऑन होगा. नेक्स्ट, बालू लिव्स एज इफ ही इज अ किंग. अब देखिए इसमें दो सेंटेंसेस है, पहला बालू लिव्स, दूसरा ही इज अ किंग. ओके, तो ये वाला जो सेंटेंस है फर्स्ट, ये प्रेजेंट में लिव्स से पता चल रहा है, ही इज अ किंग ये भी प्रेजेंट है. फाइन, तो इसमें जो दोनों सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है वो एज इफ कर रहा है, एज इफ कनेक्टर है यहाँ पर, जो बॉल जो बालू लिव्स और ही इज अ किंग को ज्वाइन कर रहा है. फाइन, अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि एज इफ का हिंदी, या अगर मैं एज इफ लिखूँ या एज दो लिखूँ, इनकी हिंदी होती है मानो की. ओके, तो बालू ऐसे जीता है, ऐसे रहता है मानो कि वह किंग हो. ओके, अब मुझे बताइए, मानो कि वह किंग हो तो क्या वो असली में किंग है? बालू क्या असली में किंग है? नहीं, ये एक इमेजिनेटिव सेंटेंस है. ओके, जैसे हम बोलते हैं ये सड़क पर चलता तो ऐसे है जैसे सारी सड़क इसने खरीद रखी है, तो क्या सच में इसने सड़क खरीद रखी है? तो ये सारे ना इमेजिनेटिव सेंटेंसेस होते हैं, तो इमेजिनेटिव सेंटेंसेस में कभी भी हम प्रेजेंट नहीं यूज करते हैं, और ये ही इज प्रेजेंट है, तो ये गलत हो गया. ओके, तो आपको जब भी इमेजिनेटिव सेंटेंस मिलता है, इमेजिनेटिव सेंटेंस एज इफ, एज दो, विश या इफ से शुरू हो सकता है. ओके, इफ में थोड़ा सा कंडीशन भी अप्लाइड है, मगर इनसे अगर किसी भी सेंटेंस में ये सारे कंजंक्शन आपको मिलते हैं तो इमेजिनेटिव सेंटेंस होता है. ये तीन जो है, एज इफ, एज दो, विश, ये तो पूरा का पूरा 100% ये है कि अगर ये सेंटेंस में आ गया तो वो इमेजिनेटिव सेंटेंस होगा और आपको पास्ट में लिखना है. ओके, और अगर इफ आ गया तो कभी इमेजिनेटिव होता है, कभी नहीं होता है. ठीक है, मैं इसमें डिटेल में मैं नहीं जा सकती हूँ, मगर मैं एज इफ, एज ऑफ, विश के बारे में थोड़ा आपको बता देती हूँ. मैं यहाँ पर बता रही हूँ, अगर आपको सेंटेंस में विशेस दिख गया और वो भी प्रेजेंट में, ओके, ये सारे प्रेजेंट में है, तो आपका हमेशा पास्ट लगेगा. तो आप देखिए, ही वर अ किंग पास्ट, ही हैड अ ट्रेन, ही विशेस ही हैड अ ट्रेन, काश उसके पास ट्रेन होता, मगर अभी है नहीं ना, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम उसके पास ट्रेन नहीं है. ही विशेस ही वेंट टू मून, तो ये सारा इमेजिनेटिव है. तो इमेजिनेटिव सेंटेंस में आपको पास्ट लिखना है. एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, ही, शी, दे, पीपल, टॉम, हैरी, कृष्णा, कुछ भी सब्जेक्ट हो, आपका हमेशा वर लगेगा. ये चीज ध्यान रखोगे, वॉज कभी भी नहीं लगेगा पास्ट में, मगर वर. बाकी में हैड और वी टू का कोई भी फॉर्म, वेंट है, बिलोंगड है, प्लेड है, थ्री यू है, ओके, कोई भी फॉर्म, मगर वी टू लगेगा, ये चीज ध्यान रखना, पास्ट. फाइन, अब एज इफ और एज दो का मतलब सेम होता है, मानो की. ओके, ही बिहेव एज इफ ही वर अ किंग, ऐसे बिहेव करता है मानो की किंग है. ही बिहेव्स एज इफ ही हैड ऑल नॉलेज, ऐसे बिहेव करता है जैसे कि सारा ज्ञान इसी के पास हो. ही बिहेव्स, ऐसे बिहेव करता है जैसे कि सारी पृथ्वी इसी की है, द अर्थ बिलोंग टू हिम. गॉट इट? यदि ये वाला प्रेजेंट में रहे और आपका एज इफ हो, एज दो हो, विश हो, तो आपका पास्ट लगेगा और हमेशा वर लगेगा, ये चीज ध्यान रखना, बॉस नहीं लगेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली देन ही विल अग्री. अब इसमें एरर है कि ओनली देन विल ही अग्री, मतलब उल्टा कर देंगे. अब आप देखिए, सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सीधा स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, ये सीधा स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स. उल्टा स्ट्रक्चर ऐसा होता है, पहले वर्ब आता है और सब्जेक्ट. उल्टा स्ट्रक्चर हमेशा आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस में आता है, जैसे एम आई अ टीचर, तो आप देख रहे हो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है और ये उल्टा स्ट्रक्चर है. तो जब भी आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिखता है स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपको रिवर्स स्ट्रक्चर फॉलो करना है. ओके, तो ये रिवर्स स्ट्रक्चर है. रिवर्स स्ट्रक्चर में पहले वर्ब आता है और फिर सब्जेक्ट आता है. अब आप देखिए, यहाँ पर मैंने रिवर्स स्ट्रक्चर रखा है, ओनली देन विल ही अग्री, मगर लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क नहीं है, फुल स्टॉप है. तो पहला कंडीशन रिवर्स स्ट्रक्चर फॉलो करने का है कि उसमें क्वेश्चन मार्क होना चाहिए. दूसरा कंडीशन है
कि इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस आपका कुछ नेगेटिव कीवर्ड होना चाहिए, नेगेटिव कीवर्ड, ओके। जैसे नेगेटिव कीवर्ड जैसे है नो सूनर, ओके। फिर आपका एक और नेगेटिव कीवर्ड है, वैसे तो काफ़ी है, सेल्डम है, रेयरली है, ये सारे कुछ नेगेटिव कीवर्ड्स हैं, ओके। तो नेगेटिव कीवर्ड्स के जब सेंटेंस, जब नेगेटिव कीवर्ड सेंटेंस की शुरुआत में आता है तब आपका रिवर्स स्ट्रक्चर होता है, ओके। नो सूनर तो बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो जब भी नो सूनर आपको शुरुआत में दिखता है तो आप समझ जाना कि नो सूनर के बाद तुरंत वर्ब आएगा, और वो भी ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब नहीं आएगा। जब मैं रिवर्स स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ तो रिवर्स स्ट्रक्चर में मैं ऑक्सिलरी वर्ब की बात कर रही हूँ, मेन वर्ब की नहीं। तो जैसे नो सूनर डिड ही रीच स्टेशन, इस तरह से, फाइन। तो अब जितने भी नेगेटिव वर्ड्स हैं उनके लिस्ट है, डेफिनेट लिस्ट होती है, तो जितने भी नेगेटिव वर्ड्स हैं अगर वो शुरुआत में आ जाते हैं तो उसके बाद आपका सीधे ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, ओके। अब नेगेटिव वर्ड्स के अलावा कुछ पॉजिटिव वर्ड्स भी हैं जो आपका रिवर्स स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, और वो जैसे ओनली देन है, ओनली यस्टरडे है, और अगर कोई प्लेस है उसके साथ प्रेपोजिशन लगा है, ऑन द हिल, अंडर द ट्री, वर सेटिंग टू मेन, तो प्रेपोजिशन लगा है, प्रेपोजिशन के साथ अगर आपका प्लेस है, ऑन द, सॉरी, अंडर द ट्री, वर सेटिंग, ओके, तो अंडर प्रेपोजिशन हो गया और प्लेस हो गया ट्री, फिर आपका रिवर्स स्ट्रक्चर फॉलो होगा, ओके। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, मेहर मस्ट अवॉइड टू लुक आउट ऑफ द विंडो, इसमें अवॉइड के बाद आपका वी फोर लगेगा, ओके। तो एक निमोनिक है वो मैं आपको दे देती हूँ, और इस निमोनिक में जितने भी वर्ड्स हैं वो अपने साथ वी फोर लेते हैं, और यहाँ पर ये वी फोर जीरण का काम करते हैं, और जीरण को हम नाउन कहते हैं, ओके। वो निमोनिक मैं आपको दे देती हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये निमोनिक है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसको समझाना नहीं पड़ता है, उसको लर्न करना होता है, रटना होता है। तो रटने के लिए अगर आप निमोनिक का यूज़ करोगे तो बहुत बेटर रहेगा, और तुरंत लर्न भी हो जाएगा। निमोनिक की स्पेलिंग जो होती है वो ये होती है, इसको हम निमोनिक कहते हैं, और ये लर्निंग टेक्निक है, ओके। अब देखिए ये निमोनिक है, ओके, इसको मैं पढ़ लेती हूँ। पी एस मतलब मैं पढ़ूँगी, प्लीज़ प्लीज़ फर्स्ट पेड़ के नियर, ओके। अब मैं बोलती जाती हूँ, आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। पी फॉर प्रपोज, प्रपोज के बाद अगर कोई वर्ब आएगा तो वो वी फोर लेगा, ही प्रपोज्ड गोइंग आउट ऑन द बीच। एस का मतलब स्टॉप, स्टॉप के बाद यदि कोई वर्ब आएगा तो वी फोर आएगा, स्टॉप मेकिंग नॉइज। एफ फिनिश, फिनिश के बाद यदि कोई वर्ब आएगा तो वी फोर, ही फिनिश पेंटिंग द डोर। ए फॉर अवॉइड, अवॉइड के बाद अगर कुछ वर्ब आएगा तो वी फोर, ही अवॉइडेड पेइंग द टैक्सेस, ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। फिर नेक्स्ट है सजेस्ट, सजेस्ट के बाद यदि कोई वर्ब आएगा तो वी फोर, ही सजेस्टेड विजिटिंग आगरा। पी फॉर पोस्टपोन, पोस्टपोन के बाद यदि कोई वर्ब आएगा तो वी फोर, ही पोस्टपोन रिटर्निंग टू हिज होम टाउन। ई फॉर इवेड, इवेड का मतलब होता है अवॉइड करना, इसके बाद भी वी फोर, ही इवेडेड पेइंग द टैक्सेस। ये सीडीएस में भी इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं इवेड पर। डी फॉर डिनाई, डिनाई के बाद भी यदि कोई वर्ब आएगा तो वी फोर, डिनाई का मतलब होता है सच को नकारना, ही डिनाइड स्टीलिंग माई फोन। के फॉर कीप, इसके बाद भी वी फोर, कीप वर्किंग हार्ड। एन फॉर नीड, दिस कार नीड्स रिपेयरिंग, नीड के बाद भी वी फोर। ई एन्जॉय, एन्जॉय के बाद भी वी फोर, ही एन्जॉयज टॉकिंग ऑन फोन। ए फॉर अपलॉड, अपलॉड का मतलब ताली बजा के प्रशंसा करना, आई ऑलवेज अपलॉडेड हिज स्पेंडिंग टाइम विद हिज फैमिली। R for repent, इसका मतलब पछताना, he repented his parting with her. Please first पेड़ के नियर, इसको लर्न कर लो, इस पे क्वेश्चन काफी आ जाते हैं। नेक्स्ट है मेक सेंटेंसेज विद द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स क्लियरली ब्रिंगिंग आउट द डिफरेंस इन मीनिंग बिटवीन द टू वर्ड्स। मैटर एज अ नाउन, मैटर एज अ वर्ब, जब मैटर नाउन का काम कर रहा है तो आप
नाउन के पहले हम आराम से आर्टिकल यूज कर सकते हैं, नाउन के पहले हम आराम से एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं, नाउन के पहले हम आराम से प्रेपोजिशन भी यूज कर सकते हैं। ये चीज आप ध्यान रखोगे सेंटेंस बनाने के वक्त। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, जब भी सेंटेंस बनाने को दिया जाता है, कोई कोई कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं लंबे चौड़े सेंटेंसेस बनाते हैं एज ए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है उनमें कि कहीं पर भी गलती नहीं होगी, मगर मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, जितना लंबा आप सेंटेंस बनाओगे ना उतनी गलती होने की गुंजाइश रहती है। इसलिए छोटा सेंटेंस बनाओ, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाओ। अब जैसे मैटर है तो व्हाट इज द मैटर, एकदम सिंपल सेंटेंस, ओके, और क्वेश्चन मार्क। अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क पुट नहीं करोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। अब मेक द सेंटेंस में तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, पहली चीज कि जो भी आपको वर्ड मिल रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको स्मॉल सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं, लंबे सेंटेंसेस फ्रेम करोगे आपको मार्क्स कट ही जाएंगे क्योंकि आपसे गलतियां तो होंगी। इंग्लिश हमारा नेटिव लैंग्वेज नहीं है, फॉरेन लैंग्वेज है, ये चीज ध्यान रखना। तीसरी चीज, पंचुएशन मिस्टेक नहीं करोगे। अगर आपने इंटरोगेटिव सेंटेंस फ्रेम किया है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट करो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस फ्रेम किया है तो एक्सक्लेमेटरी मार्क पुट करो, और अगर नॉर्मल सेंटेंस फ्रेम किया है असर्टिव तो आप फुल स्टॉप पुट करो। चौथी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो है कैपिटल लेटर की मिस्टेक। अब जैसे लिखा है व्हाट इज द मैटर, अब ऐसे लिख देते हैं, करते हैं स्टूडेंट्स, मार्क्स आपके कट जाएंगे। पांचवी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है, व्हाट इज द मैटर और स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं। ये तो मैंने सही लिखा है मगर कोई भी गलती कर सकते हैं। तो जब भी सेंटेंस फ्रेम करते हो, और इनफैक्ट ग्रामर के क्वेश्चन जितने भी हैं उसमें आप लोग कोई पंचुएशन मिस्टेक नहीं करोगे। कहने का मतलब जहां फुल स्टॉप लगाना है वहां फुल स्टॉप लगाओ, जहां क्वेश्चन मार्क लगाना वहां क्वेश्चन मार्क लगाओ, कैपिटल लेटर की मिस्टेक मत करो, स्पेलिंग मिस्टेक मत करो, वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे। आप आंसर एकदम सही लिख रहे हो, सपोज मेहर मस्ट अवॉइड टू लुक आउट ऑफ द विंडो, अब आपने अच्छे से लिख दिया मेहर मस्ट अवॉइड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, यानी टू लुक का क्या होगा, लुकिंग होगा, फाइन, आउट ऑफ द विंडो। अब सपोज आपने लिखा और द हटा दिया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपने पूरा अच्छे से लिख दिया मगर फुल स्टॉप देना भूल गए, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सब कुछ अच्छे से लिख दिया है मगर विंडो में आप डब्लू लिखना भूल गए, मार्क्स नहीं मिलेंगे। मेहर में एम स्मॉल कर दिए, सेंटेंस की जो स्टार्टिंग होती है वो तो कैपिटल लेटर से होती है ना, आपने स्मॉल लिख दिया, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और अगर जो कैंडिडेट्स मुझे अपने आंसर्स के इवैल्यूएट करने के लिए देते हैं उनके मैं ये सब गलतियों पे मार्क्स काटती हूँ, और अगर मैं मार्क्स दे दूँ इन गलतियों पर तो मैं उनके करियर के साथ खेलूंगी, और ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप ध्यान रखना, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस का मतलब होता है कि उसमें फुल स्टॉप की भी मिस्टेक ना हो, उसमें कैपिटल लेटर की मिस्टेक ना हो, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, तभी हम उसको बोलेंगे ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है। गॉट इट? अब मैटर यहाँ पे वर्ब है, अगर ये वर्ब है तो ऑब्वियसली मैटर का मैटर्स हो सकता है, मैटर का मैटर्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इट मैटर्स मी, इट डजंट मैटर मी, बस सिंपल सा सेंटेंस लिखो। कैनवस, आई एम गोइंग टू पेंट अ पोर्ट्रेट ऑन कैनवस, तो ये कैनवस का मतलब होता है जिसके ऊपर हम पेंटिंग करते हैं, ओके, और कैनवास का मतलब होता है मांगना, और यूजुअली ये कनेक्टेड होता है बोट्स से। द पार्टी नीड्स टू कैनवास द अनकमिटेड वोटर्स। ट्रूप, डबल ओ, इसका मतलब है आर्मी ट्रूप्स की बात हो रही है। द ऑफिसर ordered द ट्रूप टू रिटायर फ्रॉम द एक्शन, और ये वाला जो ट्रूप है ना ये एंटरटेनमेंट वाला ट्रूप है, लास्ट में देखो ई आ रहा है ना, ई से लर्न कर लो, ये एंटरटेनमेंट वाला है। तो शी ज्वाइंड अ डांस ट्रूप एंड ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल्टर, ई आर लगेगा तो आपका चेंज करना इसका मतलब होता है, जैसे हम लोग जीन्स ऑल्टर करवाते हैं तो ये वाला ऑल्टर है। अ डॉग कैन नॉट ऑल्टर इट्स वे ऑफ बार्किंग। ऑल्टर, ए आर लगेगा तो जो भगवान जी का जब हम ऑफर करते हैं भगवान को, तो जहाँ पर हम ऑफर करते हैं ना उसको हम ऑल्टर कहते हैं, उस प्लेस को। द डिवोटीज ऑफर्ड अ घी लैम्प ऑन द ऑल्टर ऑफ द सुप्रीम गॉड। बोर्ड, बी ओ आर ई डी, द चिल्ड्रन क्विकली गेट बोर्ड विद अडल्ट कन्वर्सेशन, तो बोर्ड का मतलब बोरिंग, बोर हो जाना, और बी ओ ए आर डी
आई राइट डाउन ऑन द बोर्ड, वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, वो वाला बोर्ड है जिसमें लिखने का काम आता है. पोचर्स आर किलिंग द टाइगर सरप्टिशियसली. ये वाला वर्ड इम्पॉर्टेंट नहीं है जब वॉइस चेंज करना होता है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है. जब भी आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करते हो या पैसिव से एक्टिव चेंज करते हो, तो पहली चीज़ ध्यान रखना टेंस नहीं चेंज होता है. दूसरी चीज़ ध्यान रखना कि आप टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी नहीं चेंज करोगे. कहने का मतलब ये है कि अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव ही रहेगा, इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव ही रहेगा. तीसरी चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप चेंज करते हो तो हमेशा पैसिव वॉइस में ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ होता है और हमेशा V3 यूज़ होता है. और जब मैं ऑक्सिलरी वर्ब की बात कर रही हूँ तो कभी भी 3D यूज़ नहीं होगा. 3D का मतलब डू, डज, डिड. ये पैसिव वॉइस में ये तीनों वर्ब कभी भी यूज़ नहीं होते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखोगे. अब पोचर्स आर किलिंग द टाइगर्स, तो सबसे पहले एक और चीज़ है कि जैसे लिखा है चेंज द वॉइस, तो यहाँ पर आपको पता ही नहीं कि एक्टिव में चेंज करना है कि पैसिव में चेंज करना है. तो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है कि एक्टिव वॉइस ऐसा सेंटेंस होता है जो टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो करता है. यानी आप सेंटेंस को देखकर पहचान जाओगे कि ये कौन सा टेंस है. तो पोचर्स आर किलिंग, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है. ओके, तो यानी ये एक्टिव वॉइस है और आपको इसको पैसिव वॉइस में बदलना है. तो पैसिव वॉइस में हमेशा V3 यूज़ होता है और हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ होता है. तो ऑक्सिलरी वर्ब मैंने आर यूज़ कर दिया. ओके, और किलिंग है ING है, तो मुझे इसको रिप्लेस करना है एक और ING फॉर्म से, तो आर बींग किल्ड. ओके, अब ये द को मत हटाना. द टाइगर्स आर बींग किल्ड सरप्टिशियसली. बाय वाला जो चीज़ है ना, बाय को लास्ट में लिख कर रहा हूँ, ये सरप्टिशियसली लिख दो और फिर बाय. पोचर्स के पहले द नहीं लगा है तो द मत लगाओ, बाय पोचर्स. गॉट इट? द टाइगर्स आर बींग किल्ड सरप्टिशियसली बाय पोचर्स. चेंज इन टू असर्टिव सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग. एकदम सिंपल है. आपको करना क्या है कि जब भी, हालांकि इसमें बहुत सारे रूल्स हैं, ओके, तो इसमें आपको असर्टिव में चेंज करना है, यानी आपको नॉट हटाना है, मगर नॉट इस तरह से हटाना है कि मीनिंग भी न चेंज हो. ओके, तो आपको क्या करना है, नॉट को तो हटाना पड़ेगा. ईजी को आप उल्टा कर दो, एंटोनिम बना दो डिफिकल्ट. योर राइटिंग इज नॉट ईजी टू रीड, इसका मतलब योर राइटिंग इज डिफिकल्ट टू रीड. मैंने मीनिंग भी चेंज नहीं की. एडम इज वन ऑफ द स्विफ्टेस्ट रनर इन द स्कूल. चेंज इन टू पॉजिटिव डिग्री. तो यानी स्विफ्टेस्ट का पॉजिटिव क्या होगा, स्विफ्ट. तो स्विफ्ट लिख दो. इसका कीवर्ड क्या है पॉजिटिव का, एज एज. फाइन, जैसे सुपरलेटिव डिग्री का कीवर्ड है द, कंपैरेटिव डिग्री का कीवर्ड है दैन. फाइन, वैसे ही पॉजिटिव डिग्री का कीवर्ड एज एज है. और कुछ और भी कीवर्ड्स हैं, माइनर कीवर्ड्स हैं, ये तो मेजर कीवर्ड एज एज. फाइन, यहाँ पे आप इज वन ऑफ द स्विफ्टेस्ट रनर, इसका मतलब कि और भी कई रनर्स हैं एडम के जैसे. ओके, एडम के जैसे ही स्विफ्ट है. तो यहाँ पर आप लिखोगे अ वेरी फ्यू रनर्स. अब ये रनर्स को यहाँ पे आ लगा दो. अ वेरी फ्यू रनर्स, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आना चाहिए वरना सेंटेंस ही नहीं होगा. फिर इन द स्कूल भी लगाना पड़ेगा, तो मैं इसको चेंज कर रही हूँ, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ अ वेरी फ्यू रनर्स इन द स्कूल. अब देखिए मैंने ये वाला भी इंक्लूड कर दिया, इन द स्कूल. अब रनर्स के अकॉर्डिंग वर्ब लगाऊंगी आर. अब फिर मैं ये कीवर्ड लगा रही हूँ आर एज स्विफ्ट. अब इसका ना रूल मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, स्टेप बाय स्टेप रूल मेरी जो बुक है उसमें है. तो जिसके पास भी मेरी बुक है उसमें ये रूल बहुत अच्छे से समझाया गया है कि किस तरह से डिग्री चेंज होते हैं. तो मुझे लगता है कि जिसने इसको अच्छे से पढ़ा है वो बहुत आराम से इसको चेंज कर पाएगा डिग्री में. एक्सेप्ट फॉर इंजुरी टू हिज लिटिल फिंगर ही वॉज लकी. क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्म इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ हर टेस्ट पेपर में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल कंपाउंड पे क्वेश्चन आते ही हैं, इंपॉर्टेंट है. एक सिंपल सेंटेंस होता है, इसमें आपके कोई कंजंक्शन नहीं होंगे. दूसरा सेंटेंस होता है आपका कंपाउंड और जिसमें कंजंक्शन होते हैं फैन बॉयज. आप लोग गूगल में सर्च कर लेना फैन बॉयज का पूरा एलैबोरेट फॉर्म, ठीक है. और थर्ड है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में फैन बॉयज के अलावा बाकी सारे कंजंक्शन होते हैं. अच्छा, कंपाउंड सेंटेंस में पेयर कंजंक्शन भी होंगे आपके, जैसे ईदर और, नीदर नॉर,
बोथ एंड, ये पेयर कंजंक्शन है वेदर और, तो पेयर कंजंक्शन आपको कंपाउंड सेंटेंस में मिलेंगे और बाकी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इन कंजंक्शन के अलावा बाकी जितने भी कंजंक्शन हैं वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं. ओके, फैन बॉयज और पेयर कंजंक्शन यदि किसी सेंटेंस में होता है तो वो कंपाउंड सेंटेंस होता है. अब इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. ओके, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसमें बनेगा ही वॉज लकी सेंटेंस. ओके, तो ये बिकॉज अगर आपको कंजंक्शन दिख जाता है तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है. फाइन, नेक्स्ट, लेट अस रीड हर पाम टू टेल हर वेदर शी इज गोइंग टू पास और नॉट, सेड हर फ्रेंड. तो स्टूडेंट्स, नरेशन में, स्पीच में आपका सबसे पहले आता है रिपोर्टिंग वर्ब, जिसमें आपका सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, फिर आपका कॉमा देगा, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, फिर आपका कॉमा लगेगा और यहाँ पर आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स लगेगा. ओके, और ये इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच. फाइन, ये है डायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच में आपको कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमास, ये सब दिखते हैं. जब आपको इनडायरेक्ट में करना है तो याद रखना रिपोर्टिंग वर्ब में आप कोई चेंज नहीं लेकर आओगे. कहने का मतलब टेंस का चेंज और प्रोनाउन का चेंज नहीं होगा. ये वर्ब अगर पास्ट में है तो पास्ट में ही रहेगा जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करोगे, और प्रोनाउन अगर ही है, शी है, तो आप इसको चेंज नहीं करोगे. हालांकि रिपोर्टिंग स्पीच में चेंज होता है. ओके, रिपोर्टिंग स्पीच में आपका टेंस का चेंज होगा, आपका प्रोनाउन चेंज हो सकता है, आपका टाइम चेंज हो सकता है, येस्टरडे का द प्रीवियस डे, और प्लेस चेंज हो सकता है, जैसे हियर का देयर. टेंस आपका तभी चेंज होगा जब ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा, अदरवाइज टेंस इसका चेंज नहीं होगा. कुछ कंडीशन है. ओके, यदि इसमें आपका फैक्ट्स हैं, कोटेशंस हैं, तो फिर आप टेंस नहीं चेंज करोगे. मगर यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में और फ्यूचर में है, ही विल से, ही सेज, तो फिर यहाँ पर टेंस का कोई चेंज नहीं लेकर आओगे. ये चीज़ ध्यान रखोगे. अब यहाँ पर सेड हर फ्रेंड, तो आप देख रहे हो रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर चेंज करेंगे टेंस को. अब आप देखिए इसका आंसर पहले मैं लिख देती हूँ, फिर मैं समझा दूंगी. ये स्टूडेंट्स काफ़ी मैसी हो गया है, मगर फिर भी शायद आपको समझ में आ ही जाएगा. हर फ्रेंड सजेस्टेड, सिंस यहाँ पर लेटर्स है, तो इस अस की वजह से पता चल रहा है कि यहाँ पर सजेशन दिया जा रहा है. ओके, तो यहाँ सेड की जगह मैंने सजेस्टेड लिख दिया, मगर टाइम मैंने चेंज नहीं किया. ये पास्ट है तो ये पास्ट है. सजेस्टेड के बाद मैंने कनेक्टर यूज कर दिया है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये डबल कोट हटाना है. डबल कोट हटाने के लिए कनेक्टर यूज करना पड़ेगा. मैंने दैट यूज कर दिया और दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया, यानी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच को कनेक्टर से जोड़ दिया. अब शी है वो चेंज हो जाएगा दे में. उसके फ्रेंड सजेस्ट किए कि उनको रीड हर पाम, दे शुड रीड हर पाम टू टेल हर. टू के बाद कभी भी वी वन नहीं आता है, आई मीन टू के बाद हमेशा वी वन आता है. वेदर शी वॉज, अब देखिए यहाँ पर इज है तो ये चेंज हो जाएगा पास में, वेदर शी वॉज गोइंग टू पास और नॉट. नेक्स्ट है मिसक्रीन्स हैव सेट द बस. अब यहाँ पे करेक्ट प्रेपोजिशन लगाना है, तो यहाँ पर प्रेपोजिशन करेक्ट होगा ऑन, ऑन फायर. ओके, प्रेपोजिशन पूरा रटने वाला खेल है. कुछ चीज़ें हैं जो समझना है, बाकी तो रटने वाला है. आई सेंड हिम ओनली वन लेटर टिल नाउ. देखिए सबसे पहली चीज़ नाउ वर्ड है. नाउ से आपको पता चल गया कि सब्जेक्ट का टाइम प्रेजेंट है, और ये जो टिल है, टिल एक कीवर्ड है परफेक्ट का, तो बेसिकली आपका इसमें प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा. नाउ से प्रेजेंट और टिल से परफेक्ट पता चलता है. ये कीवर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट का, तो होगा सही आंसर आई हैव सेंट, वी थ्री लगा, आई हैव सेंट हिम ओनली वन लेटर टिल नाउ. ही डिड नॉट लीव हिज स्टडीज बीइंग पुअर, तो यहां पर होगा डिस्पाइट. डिस्पाइट का मतलब होता है, या आप इंस्पाइट ऑफ लिख सकते हो, इन स्पाइट, अलग अलग वर्ड होंगे ये तीनों, इन अलग, स्पाइट अलग, ऑफ अलग. ओके, इनका मतलब होता है बावजूद. ओके, ऑल्दो.
आप ऑल दो भी लिख सकते हो, दो भी लिख सकते हो, ठीक है। मगर दोनों में फर्क क्या है कि अगर आप ऑल दो या दो लिखोगे तो इसके बाद कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए। कंप्लीट सेंटेंस का मतलब होता है कि सब्जेक्ट हो और प्रॉपर वर्ब हो, ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो, सब्जेक्ट के टाइम एंड नंबर के अकॉर्डिंग एडजस्ट। तो अगर आप यहाँ पर ऑल दो लिख दोगे तो ये जो बींग है ये वर्ब ज़रूर है मगर ये ऐसा वर्ब नहीं है जो सब्जेक्ट के टाइम एंड नंबर के अकॉर्डिंग एडजस्ट होता है। ही बींग, शी बींग, दे बींग, पीपल बींग, राम बींग, कृष्णा बींग, सब सारे जगह आप बींग लिख सकते हो, इसको हम कभी एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो सिंस डैश के बाद आपका कोई भी कंप्लीट सेंटेंस नहीं है तो आप ऑल दो और दो नहीं लिख पाओगे क्योंकि ये कंजंक्शन है और कंजंक्शन हमेशा दो कंप्लीट सेंटेंसेस को जोड़ता है। ये कंप्लीट सेंटेंस है मानते हैं मगर यहाँ पे कंजंक्शन लग गया तो कंजंक्शन के बाद भी कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए। जैसे ही डिड नॉट लीव हिज स्टडीज ऑल्दो ही वॉज पुअर, अब ये कंप्लीट सेंटेंस है। अगर यहाँ पर ही वॉज पुअर होता तब आप ऑल्दो लगा देते तब तो ठीक था, मगर सिंस यहाँ पे बींग पुअर है तो ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। तो ऐसे केस में आप क्या यूज करोगे, डिस्पाइट या इंस्पाइट ऑफ, ऐसे केस में हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं। प्रेपोजिशन भी जोड़ने का काम करता है, दो नाउन को जोड़ता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, मगर एक कंप्लीट सेंटेंस को जोड़ता है और एक इनकम्प्लीट सेंटेंस को जोड़ता है प्रेपोजिशन। कंजंक्शन दो कंप्लीट सेंटेंस को जोड़ता है, इसीलिए डिस्पाइट यूज करो और इंस्पाइट ऑफ भी यूज कर सकते, दोनों का मतलब एक ही होता है, बावजूद। ओके, ही डिड नॉट लीव हिज स्टडीज डिस्पाइट बींग पुअर, ही वर्क स्लोली बट एक्यूरेटली। आपका जो एंड है ये अपने ही कैटेगरी के शब्दों को जोड़ेगा, जैसे प्लेजेंट एडजेक्टिव, प्लेजेंट एडजेक्टिव, शी इज करेजियस एंड ब्यूटिफुल, करेजियस भी प्रेजेंट एडजेक्टिव, ब्यूटिफुल भी प्रेजेंट एडजेक्टिव। ओके, मगर जो बट है ये ऐसा कंजंक्शन है, कंजंक्शन देखिए दो कंप्लीट सेंटेंस को जोड़ता है और दो वर्ड्स को भी जोड़ता है, फाइन। स्लोली एक वर्ड है, एक्यूरेटली एक वर्ड है, और प्रेपोजिशन दो वर्ड्स को जोड़ सकता है मगर एक कंप्लीट सेंटेंस और एक इनकम्प्लीट सेंटेंस को जोड़ता है। मगर जो बट है एक अनप्लेजेंट एडजेक्टिव और एक प्लेजेंट एडजेक्टिव को जोड़ता है। एडजेक्टिव बोल रही हूँ, आप इसको वर्ड भी समझ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे शी इज ब्यूटिफुल बट डम्ब, गॉट इट। तो स्लोली नेगेटिव है, एक्यूरेटली पॉजिटिव है। नेक्स्ट है, वॉश श्रीलंका टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड इन द वर्ल्ड कप टूर्नामेंट। तो एक तो ये क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, तो आप रिप्लेस भी करोगे तो क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क ही रहेगा। अब यहाँ पे जो टू की जगह आपको सो लिखना है और आप देखोगे इसका पेयर ये है, तो ये अगर हटेगा तो ऑब्वियसली ये भी हटेगा, अगर ये हटेगा तो फिर ये भी हटेगा, टू बी, गॉट इट। वॉश श्रीलंका, मैंने वॉश श्रीलंका लिखा, अब इसमें आप एस को स्मॉल कर दोगे, एल को स्मॉल कर दोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, टू की जगह मैंने सो लिख दिया, सो स्ट्रांग, अब मुझे ये टू बी हटाना पड़ेगा। ओके, तो टू बी हटाने के बाद इसके बदले मैं क्या लिखूंगी, दैट, और सो दैट एक कंजंक्शन है, यानी दैट के बाद फिर आपका कंप्लीट सेंटेंस आना चाहिए। तो मैंने श्रीलंका की जगह मैंने यहाँ पर प्रोनाउन इट लगा दिया जो श्रीलंका को रेफर कर रहा है, दैट इट कुड, अब यहाँ पे मैंने कुड लिखा है। ओके, कुड इसलिए लिखा है क्योंकि ये पास्ट है, मैं यहाँ पर कैन नहीं लिख सकती हूँ, कैन प्रेजेंट हो जाएगा। ओके, तो जब आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो आप फिर आप टेंस नहीं चेंज कर सकते हो, आप मीनिंग नहीं चेंज कर सकते हो। इट कुड नॉट बी डिफीटेड इन द वर्ल्ड कप टूर्नामेंट, फिर टूर्नामेंट की स्पेलिंग गलत लिख दोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्वेश्चन मार्क पुट नहीं करोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे, वर्ल्ड कप को स्मॉल में लिख दोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये सब चीज़ तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये सारे ग्रामर के क्वेश्चन के आंसर। थैंक यू स्टूडेंट्स।